नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 12 इंच कान्हा जी की चूड़ी लाई हूँ। तो इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 28 फंदे 28 स्टिचेस डाल रखे हैं। तो हमने दो लाइन उल्टा उल्टा बुना है, आगे से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा, जिससे उल्टे फंदों की एक धारी आ गई है और ये हमारा बॉर्डर तैयार हो गया। अब इस 28 फंदों को हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम बेबी स्वेटर में, गले से शुरू होने वाले बेबी स्वेटर में करते हैं। तो ये हमारे 28 फंदे हैं, इनको हमें 5 भागों में डिवाइड करना है। तो ये हमारे 28 फंदे हैं, 28 स्टिचेस, जिन्हें हमें 5 भागों में विभाजित करना है। तो हम पहले 4 फंदा रखेंगे, फिर एक फंदा ये हमारा डिवाइडर है, फिर 4 फंदा ये आस्तीन के लिए, फिर ये एक फंदा दूसरा डिवाइडर, फिर 8 फंदा ये बैक के लिए, ये एक फंदा तीसरा डिवाइडर, फिर 4 फंदा हम दूसरे आस्तीन के लिए, फिर एक फंदा ये फोर्थ डिवाइडर हुआ और 4 फंदा ये फ्रंट के लिए। इस तरह हमने 28 फंदों को बांटा है, 4+1+4+1+8+1+4+1+4। इस तरह हमने 28 भागों को बांटा है, 4+1 फर्स्ट डिवाइडर, +4 ये आस्तीन का, +1 सेकेंड डिवाइडर, +8 ये बैक पोर्शन का, +1 ये थर्ड डिवाइडर, +4 ये दूसरे आस्तीन का, +1 ये फोर्थ डिवाइडर और +4 ये फ्रंट का, सेकेंड ये सामने का। तो 28 फंदों को इस तरह हमने बांटा है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बुनाई करते हैं। तो अभी तक हमने 10 नंबर की सिलाई से बुनाई की है, अब हम 9 नंबर से बुनाई करेंगे। तो हम 4 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया फ्रंट का। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा ये हमारा डिवाइडर हुआ, फिर हमको इसके दोनों तरफ जाली डालनी होती है, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा ये आस्तीन का हम बना लेंगे, 1 2 3 और 4। तो 4 फंदा ये हमारे आस्तीन का हो गया। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और एक फंदा जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, ये हमारा दूसरा डिवाइडर हो गया। ऊन अपनी ओर करेंगे और बैक में हमारे 8 फंदे हैं, तो 8 फंदा जाली देते हुए हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 फंदे बैक के हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, ये हुआ थर्ड डिवाइडर। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदे आस्तीन के बनाएंगे, तो 1 2 3 4। फिर उन अपनी ओर करेंगे, ये जाली देते हुए सीधा, ये हो गया फोर्थ डिवाइडर। और फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये फ्रंट के फंदे हैं, तो जाली देते हुए इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो हमारे 28 फंदे 5 भागों में डिवाइड हो गए हैं और बैक से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो बॉर्डर के बाद से ये हमारा तीसरा लाइन है। तो अब एक फंदा यहाँ जाली बनने से एक फंदा इधर आगे बढ़ गया है, एक फंदा अधिक हो गया है। तो अब हम 5 फंदा सीधा बनाएंगे, 2 3 4 5, और इस डिवाइडर आ गया है, तो जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने 4 फंदे रखे थे, 2 फंदे जाले देने से 2 फंदे हो गए हैं। तो उन अपनी ओर करेंगे और 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाले देते हुए सीधा बनाएंगे, ये सेकंड डिवाइडर है। फिर उन अपनी ओर करेंगे, बैक में 8 फंदे थे, 2 फंदे बढ़ गए, तो 10 फंदे जाले देते हुए सीधा बना लेंगे।
फिर हमारा ये थर्ड डिवाइडर आ गया, तो उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, और ये हमारे आस्तीन के फंदे हैं, तो पहले चार फंदे थे, दो फंदे बढ़ गए तो छः फंदे हो गए, तो जाली देते हुए छः फंदा बुन लेंगे। अब यह हमारा फोर्थ डिवाइडर आ गया, तो ऊन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा, और ये फ्रंट के फंदे हैं, एक फंदा बढ़ जाने से जाली देते हुए पांच फंदे सीधे बना लेंगे, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा दो जाली कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे ही जाली बढ़ने से इधर फंदे बढ़ते चले जाएंगे, तो छह जाली कंप्लीट होने तक हमें बुनाई करना है। तो छह जाली कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, छह जाली ये कंप्लीट हो गई है, एक दो तीन चार पाँच छः, और मैंने फ्रंट के सभी फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब ये जाली से ये आस्तीन के फंदे हैं, तो जाली से जाली तक सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये जाली का फंदा हमने सीधा बुना और सभी फंदे सीधे बुनेंगे। ये आस्तीन के फंदे सारे हम सीधे बुन रहे हैं जाली से जाली तक। तो जाली से जाली तक हमने सारे फंदे सीधे बुने हैं। ये बैक पोर्शन के फंदे हैं। अब इन्हें ये हमारा डिवाइडर है, डिवाइडर से डिवाइडर तक सभी फंदे हम उल्टा बुनेंगे। ये डिवाइडर का फंदा है, तो इसे हमने उल्टा बुन लिया, डिवाइडर से डिवाइडर तक के सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये हमारा जाली है और ये आस्तीन के फंदे, तो जाली से जाली तक सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो जाली से जाली तक के फंदे सीधे बुने जा चुके हैं, अब सारे फंदे हम उल्टा बुन लेंगे और लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पे आ गए हैं, अब फ्रंट के सामने की तरफ हैं, अब हम फ्रंट के सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमने डिवाइडर को इधर की तरफ रख लिया है, यानी कि फ्रंट की तरफ। अब ये जितने फंदे हमने उल्टा बुने हैं, ये पीछे से सीधा बुना है, तो आगे ये उल्टे फंदों की लाइन आई है, तो जितने फंदे उल्टे हैं उन अपनी ओर करेंगे, और ये दो फंदा एक साथ लिया, एक उल्टा बनाया, इसे वापस बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को लेंगे एक उल्टा बनाएंगे, फिर वापस बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, दो फंदों को लेके एक उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फंदे क्लोज कर रहे हैं और आस्तीन के सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। जितने फंदे हमने उल्टे बुने थे उन सारों फंदों को हम क्लोज कर लेंगे। तो हमने सारे फंदों को क्लोज कर लिया, ये एक फंदा रह गया है। अब उन दूसरी ओर करेंगे, डिवाइडर को सीधा बुनेंगे और ये फंदा इस पर ऐसे चढ़ा लेंगे। अब शेष देखिए, अब सारे फंदे हमारे क्लोज हो गए, अब शेष फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारे बैक के फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब ये डिवाइडर हमने सीधा बुन लिया। अब फिर हम ये सेकंड आस्तीन पे आ गए हैं, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और ये दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, फंदा बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ एक उल्टा बनाएंगे, फिर फंदा बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे। तो इस तरह हम सारे फंदे, आस्तीन के सारे फंदे हम क्लोज कर लेंगे। अब
अब ये लास्ट फंदा है उन दूसरी ओर करेंगे, डिवाइडर को सीधा बुनेंगे और इस फंदे को इस पर चढ़ा देंगे। और अब ये सेकंड फ्रंट के फंदे हैं, सब इनको सीधा बुन लेंगे। तो हमारा ये देखिए, ये राधा रानी का ये हाथ हो गया और बैक फ्रंट ये हमारा इत्ता बन के तैयार हो गया है। और रॉन्ग साइड से, हम रॉन्ग साइड में हैं, हमने फ्रंट के फंदे बुन लिए हैं, ये हमारा डिवाइडर वाला फंदा है। तो इस फंदे के अंदर से इसको दूसरे वाले फंदे को निकालेंगे और इसको ऐसे उल्टा बुन लेंगे। और अब इस फंदे को, जो हम हमारा इस साइड का फंदा था, उसको ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो ये ऐसे बंध गया। फिर सारे फंदे, हम बैक के ये फंदे हैं, इन्हें हम ऐसे उल्टा बुनते चले जाएंगे। तो हमने बैक के सारे फंदे उल्टा बुन लिए। अब ये हमारा लास्ट फंदा है, ये हमने आस्तीन घटाई हुई है। तो अब इस फंदे को, ये दोनों को ऐसे बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, इसके अंदर से सिलाई डालेंगे और इस फंदे को ऐसे निकाल लेंगे। और इसे, चूँकि हम उल्टा बुन रहे हैं, तो उल्टा बुन लेंगे। अब ये देखिए, ये फंदा ऐसे क्रॉस हो गया। अब शेष सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, ऐसे ये बंध गया है, सब फंदों को उल्टा बुन लेंगे और लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सभी फंदे सीधा बुन लेंगे। सभी फंदे सीधा बुनते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टा। तो ये 15वीं लाइन, ये हमारी 15वीं लाइन चल रही है। बॉर्डर के बाद से ये हमारी 15वीं लाइन चल रही है। तो 15वीं लाइन में सभी फंदे सीधे और 16वीं में सभी फंदे उल्टे बुनते हुए हम 16वीं लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो 16 लाइन कंप्लीट करके, 16वीं लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको नापते हैं। तो राधा रानी का कमर है 5 इंच और ये आ रहा है 7.5 इंच, यानी कि बहुत ढीला। तो अब हमें फंदे कम करने होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें फंदे कम करेंगे। हम राइट साइड में हैं और 17वीं लाइन। तो 4 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा लिया। फिर हम 10 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, पहले हम दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में, और दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर हम 8 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हम फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। और लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, उन्हें हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिर हम 2 लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो 2 लाइन प्लेन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने 2 लाइन प्लेन बुन लिया। अब हम फिर राइट साइड में हैं, तो 4 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 2 3 4। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, एक फंदा घटा दिया। फिर
आठ फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर हम दो फंदों को लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे। फिर आठ फंदे सीधे, तीन चार पाँच छः सात और आठ। फिर दो फंदे लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में, और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना देंगे। इसी फंदे में हमने पिछली बार भी घटाया था। फिर आठ फंदे सीधे, तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में, और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। लास्ट में चार फंदा बचेगा जिसे सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिर हम दो लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से उल्टे। तो दो लाइन प्लेन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो दो लाइन प्लेन बुना जा चुका है, अब चार फंदे सीधा बुनेंगे, एक तीन चार। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः। यहाँ पे घटने से फंदे कम होते जा रहे हैं, ये जाली, ये हमने दो दो फंदों को एक किया है तो फंदे घटते जा रहे हैं। तो फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, दो का एक कर लेंगे। फिर आठ फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये हमारा बैक पोर्शन का है, इसमें बीच में फंदे नहीं घटाने हैं हमको, इन दोनों फंदों के बीच के फंदे ही घटाने हैं। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे। फिर छः फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच छः। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक कर लेंगे और लास्ट में चार फंदे हैं जिन्हें सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम इसको नापते हैं तो हम ये आता है 5.5 इंच, यानी कि ये सफिशियंट है। अब हमको फंदे नहीं घटाने हैं, बस दो लाइन सीधा सीधा, आगे से सीधा और पीछे से उल्टा बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 इंच राधा रानी की चोली बनके तैयार है। ये आप इसको फ्रंट में रखना चाहें, इस पार्ट को फ्रंट में रख सकते हैं या फिर इसको फ्रंट में रख सकते हैं। अब मैं इसी के नीचे घाघरा बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको क्लोज नहीं कर रही हूँ। अगर आपको अलग से घाघरा बनाना हो तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, दो दो फंदों को एक साथ लेके, और जैसे मैंने यहाँ पे घटाना बताया था वैसे आप घटा सकते हैं। तो हमारा राधा रानी का ये चोली तैयार हो गया है। अब इसका घाघरा मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लोगों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।